बाबा बे औलाद भक्तों को संतान देते हैं, भूत भी भगाते हैं, कोर्ट से बरी करा देते हैं, लोगों की किस्मत चमका देते हैं, बाबा पर्ची भी निकालते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं श्री बालाजी धाम हंसी वाले बाबा महंत डॉक्टर दिनेश जी महाराज, जिनका दिव्य दरबार छपरा के प्रेक्षा गृह में लगा हुआ है। बाबा के दिव्य दरबार का जादू भी देखा। एक महिला अचानक रोती हुई भीड़ से उठी और स्टेज के सामने नागिन डांस करने लगी। बाबा का जयकारा होने लगा। बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद जब उस महिला का पर्ची नहीं निकला तो वह झल्लाए हुए घर वालों के साथ बाहर निकली, और जब हलचल न्यूज ने उससे बात की तो उसके घर वालों ने बताया कि जब उसके ऊपर महारानी आती हैं तब वह खेलती है, लेकिन बाबा ने उसको नहीं बुलाया। ना तो उसकी पर्ची निकली, ना ही उसके परिवार की समस्याओं का समाधान हुआ। अब आप भी सुने क्या है सच्चाई। दूसरा दूसरा का बाबा बुला रहा है। यहाँ पर है बताइए, मरहौरा मेरा शादी हुआ है। शादी हुआ है मरहौरा, मैंने लड़की है, इनको लड़की है, लड़की है, मरहौरा शादी, मरहौरा शादी हो गया। इनको देखा गया, इनको देखा गया ना, देखा अब तो बाबा हमने के गांव के बच्चे रात में बसे घूमते डेढ़ साल हो। बाबा हम लोग के नहीं बुलाए, दूसरे दूसरे के हम क्या आदमी लगा रहे हैं, लोग का रुपए लेके बाबा बुलाए दूसरे दूसरे के नाम पर। जब खेल इतना ही लड़की कष्ट काटे है बाबा, और नहीं इसको बुलाए थे ऊपर से उतार के महारानी बाटे हाथ दे पर बात बाबा के, और भी नहीं सुना बोली वास्तव में वह महिला परिवार सहित अपने परिवार के कष्टों के निवारण को लेकर बड़ी आस के साथ बाबा के दरबार पहुंची थी, और बाबा का अटेंशन लेने के लिए उसके द्वारा नागिन डांस तक कर दिया गया। हालांकि परिवार वालों का कहना था कि उसके ऊपर जब महारानी आती है तो वह खेलती है। वस्तु स्थिति जो भी हो, ना तो उस महिला के समस्याओं का समाधान हुआ, ना पर्ची निकली, ना ही नाम बुलाया गया। अब आप ही तय करें इस दिव्य दरबार की क्या है सच्चाई।